हेलो फ्रेंड्स, कुकर सुनकर आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ठंडा ठंडा नींबू पानी, नींबू मिंट पानी हम बनाने जा रहे हैं। 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। गर्मियों के लिए आपको ठंडा ठंडा पीना है तो इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है ये। किसी को चक्कर या उल्टी जैसा फील हो रहा है तो इसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करें इसको बनाना। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ नींबू लिए हैं काट के, तो 6 गिलास के हिसाब से बना रही हूँ। तो 3 नींबू को काट के मैंने ले लिया है। तो सबसे पहले मैं इसका जूस निकाल लूँगी नींबूओं का। एक मिक्सी जार में लेके मैं इसमें इसका जूस निकाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने नींबू का ये जूस निकाल लिया है। अब यहाँ मैंने ली है 1 कटोरी, मैंने ये पुदीने की पत्तियाँ ली हैं। अच्छे से साफ़ करके धो के मैंने इनको यूज किया है। इनको धो के ही अच्छे से साफ़ करके यूज करना चाहिए, बहुत हेल्दी होता है ये पुदीना। हर बीमारी को दूर भगाते हैं, ये गर्मियों में ठंडक भी देते हैं। साथ में मैंने 1/2 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा इसमें ऐड कर रही हूँ। नींबू का रस हमने इसमें पहले ही ऐड किया हुआ है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सेंधा नमक यूज कर रही हूँ। आप टेस्ट अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है ये सेंधा नमक। 1/4 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काला नमक। काला नमक भी अच्छा होता है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 6 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। 6 गिलास बनाने 6 टेबल स्पून के टेस्ट अकॉर्डिंग ले रही हूँ। आप यहाँ चीनी नहीं यूज करना चाहते हैं तो इसमें शहद का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद मैंने इसमें 1 गिलास पानी यूज किया था ब्लेंड करने के लिए। अब इसको छान लेंगे, एक स्ट्रेनर में डाल के इसको अच्छे से हम छान लेंगे, ताकि मोटे मोटे जो पुदीने के कुछ पीसेस रह जाते हैं वो हम निकल जाएंगे ऐसा करने से, छानने से। और जो कोई चीनी नहीं यूज करना चाहता है, जैसे कोई तो चीनी अवॉइड करते हैं, तो शहद का भी इसमें यूज कर सकते हैं। बहुत हेल्दी ड्रिंक ये बनके तैयार होता है। ये देखिए अच्छे से मैंने छान लिया है। अब इसमें मैंने 5 गिलास और पानी ऐड कर दिया था, टोटल 6 गिलास ही बन जाएगा हमारा जूस, हेल्दी मिंट लेमन जूस। ये देखिए हमारा ये जूस बन के ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब चलते हैं इसको सर्व करने के लिए। मैंने यहाँ गिलास में बर्फ़ के पीसेस डाले हैं। ठंडा ठंडा ये नींबू पुदीना शरबत बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ठंडा नहीं पीना चाहते हैं तो नॉर्मल पानी में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन ठंडे में ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैंने पहले भी ठंडा पानी भी यूज किया था। साथ में अब इसमें ऐड कर रही हूँ अपने पुदीना नींबू का जूस। गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट ड्रिंक है ये। तो इसको मैंने डेकोरेट किया था कुछ नींबू के स्लाइसेस के साथ, जैसे रेस्टोरेंट में हम ऑर्डर करते हैं जूस नींबू शरबत, तो इस तरह ही ये डेकोरेट करके मिलता है। साथ में कुछ पुदीने की पत्तियां लगाई थी मैंने, इस तरह से डेकोरेट किया था इसको नींबू और पुदीने की पत्तियों के साथ। तैयार है हमारा हेल्दी नींबू पुदीना पत्तियों का ड्रिंक। रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।